12 बज चुके हैं भाई, 50 किलोमीटर दूर है बॉर्डर। ये था मलेशिया बॉर्डर, मलेशिया बॉर्डर कर दिया हमने 53 रिंगी। फ्रेंड ने ना ये सिलेक्ट की है, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? और भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है, चाय पी चुके हैं, नूडल खा चुके हैं, और भाई नूडल खा रहे हैं। हाय ब्रदर, आर यू रेडी? यस, ओके, फाइनली रेडी। यहाँ पे कैंप किया था भाई, अभी चलेंगे हम ब्रदर फिलिप्स के साथ। या फिलिप, योर नेम फिलिप? यस। लो भाई चल पड़े हैं सुबह सुबह, तो क्या है 9:35 हो गए हैं, अब चले हैं। 77 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, देखा जाए तो 77 किलोमीटर हो चुमीन से कंबोडिया का था, मैंने 11 बजे पहुंच गया था वहाँ पे। चलो कोई नहीं भाई, जैसा भी है ठीक है, और सभी टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कि हाँ भाई ऐसा भी है वैसा भी है, अच्छा है। और भाई वहाँ पे तो ये था कि प्लेन रोड था, और यहाँ पे है अप डाउन, चलते ही अपारी है। देखो छोटे छोटे वाटरफॉल हैं, उसका भी दे रखा कि यहाँ पे होती है भाई राफ्टिंग भी, लिख रखा भाई कि राफ्टिंग भी होती है, अपना वही है, लोकल रूट से जाएंगे है ना, आराम आराम से, ना कोई ट्रैफिक ना कुछ, इजली इजली ऐसा रास्ता रास्ता है, तो कैसा फील करते हो आप बताना भाइयों। देखो भाई भरपूर मात्रा में पेड़ हैं, वो भी रबड़ गए, और भाई गर्मी ने बड़ी हाल कर रखा है, ऊपर तो ये चलने वाला फिर रोड, देख देख नहीं रही चढ़ाई है, लेकिन साइकिल रुक गई एकदम से, मैडी वाला भी रुक के जा रहा है बिल्कुल। आपसे बता बात करने लगा, आपको बताने लगा कि देखो भाई पेड़ कितने घने हैं, ध्यान दिया नहीं चढ़ाई है, अरे एकदम तो चढ़ाई थी, पेट की नस भी सर जावे हैं, लेकिन ये देखो आप कितना शांति है, खुद की आवाज़ सुनाई दे रही है भाई टैरों की या चलते हुए साइकिल की ना, ये गियर चेंज हुए हैं भाई, कट कट की आवाज़ है, अरे ये भाई इसकी आवाज़ आ रही है बस टायरों की, मज़ा आ जाता है। चढ़ गए हैं भाई, अप डाउन हिल से उतर रहे हैं, और सामने देखो आप अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और सामने की आवाज़ चल रही है भाई अच्छे वाली, कटल से कटल पन्नी पैक रखे हैं पेड़ से ही, गर्मी हो रही है कैंट वाली, आज तो क्लाउडली भी नहीं है, कल तो वो भी था, बरसात भी थी ह्यूमिडिटी भी थी, बट आज तो गर्मी ही गर्मी है और कुछ नहीं है। और सामने भाई ज़बरदस्त वाली चढ़ाई है, देखो दिख रही है, ज़बरदस्त कहते हैं ना भाई वो चढ़ाई है, भाई साहब खड़ी चढ़ाई है कती खड़ी, देख लो कती खड़ी चढ़ाई का आगरे ने, उसने कहा इसने कहा रे इसने, जिन्हें खड़ी चढ़ाई का आगरे इसने कहा आगरे भाई, 100 मीटर थी भाई, 100 मीटर ने पसीने ना दिए, देखो नखा भगे पसीने आ लिए हैं, ये चौक आ गए भाई, काफ़ी बड़ा चौक है, सभी साइड से ऐसे ही लग रहा है अप डाउन। ये स्कूल है भाई, देख लो बच्चों की आवाज़, 12 बज चुके हैं भाई, 50 किलोमीटर दूर है बॉर्डर, अभी लंच भी देखेंगे, पहुंच जाएंगे वैसे इजली, 6 बजे तक बॉर्डर ओपन है, उसके बाद बॉर्डर क्लोज हो जाएगा। सीन देखो भाई आप, क्या बेहतरीन सीन है रोड का, बहुत प्यारा लग रहा है भाई, बहुत प्यारा, अल्टीमेट कहते हैं जिसको, देख के मज़ा आ गया। रोड देखो आप कैसे रहा है भाई,
है ना, सांप की तरह चलता जा रहा है, टूं 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 टूं। देखो सामने दिख रहा होगा हैं, और भाई एक साइड में तो ये खाली एरिया है और एक साइड में ये पहाड़ है, देख लो आप। और इन छेतनी हीट निकल रही है अंदर अच्छे ज़्यादा। टेम्परेचर है भाई 35 डिग्री, फिर लाई 38 डिग्री, और बुरा हाल हो रखा है। बॉर्डर यहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर दूर रह गया। मैं भी लंच किया था, जल्दी जल्दी से लंच किया और फिर भाग लिए, क्योंकि भाई वो जाके परेशान करेंगे ऐसा बता गया है, तो उस चीज़ को फेस करने के लिए टाइम चाहिए ना, तो इसलिए जल्दी चले हैं कि भाई टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से खा के भाग लें। वैसा भाग लिए, और ये तो आप पिछली 2 वीडियो में देखते ही आ रहे हो ऐसा नज़ारा कि गेट सा बना हुआ है ना, ज़बरदस्त है भाई। और दोस्तों मेरी अगर अपडेट आप जानना चाहते हो, क्योंकि वीडियो YouTube की थोड़ी लेट आती हूँ भाई, तो डेली अपडेट मैं डालता रहता हूँ Instagram और Facebook पे। Instagram Facebook अज्जू देसवाल आप सर्च कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और भाई लाइव अपडेट जान सकते हो। और कोई भी अगर ट्रेलिंग से संबंधी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनमें से ड्रॉप कर सकते हो भाई, तो कोशिश करूँगा आपको अच्छे से सुझाव दूँ। तो यही है भाई, हवा चल पड़ी, अब भाग ले, जर्मनी वाला काफ़ी आगे निकल गया है। भाई ये पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हैं, किस चीज़ के हैं मुझे तो पता नहीं, अगर किसी भाई को पता तो कमेंट करना भाई। यहाँ पे काजू के भी काफ़ी हैं पेड़। मकान है अंदर भाई, अब भगवान ने भी थोड़ा बहुत तरस आया है, थोड़ा सा बादल भेजे हैं आसमान में छाँव करने के लिए। भाई पूछ मत, एक तो हिट कर रही है बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ी इलाका हो गया, ऊपर से कोस्टल एरिया है भाई, ज़्यादा दूर नहीं है, कोस्ट के पास ही है, समुद्र के पास। और भाई ह्यूमिडिटी बनी हुई है ज़बरदस्त। बस ये है कि बॉर्डर क्रॉस कर जाएं आज, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा क्या कंटिन्यू राइड करेंगे, तो एक 200 किलोमीटर आगे जाके है सिटी, उसमें सोच रहा हूँ भाई एक दो दिन रेस्ट हो है ना, फिर अपना चलेंगे जैसा भी होगा, ठीक बात है ना। क्रॉस करने के बाद ही प्लान बनाऊँगा कि कैपिटल में कब पहुँचना है, उसके अकॉर्डिंग मेल भी ड्रॉप करनी है भाई एम्बेसडर सर को, तो पहले ही कर देता हूँ मैं, जैसे ही बॉर्डर पे जाऊँगा ना तो वो तभी ड्रॉप कर दूँगा, तो उनकी मेल बैक आती है भाई, रिप्लाई आता है, कॉन्टेक्ट नंबर हो जाता है फिर शेयर। फिर ये है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो सीधी कॉल कर लूँ मैं, है ना, सेफ्टी भी चाहिए ना। चलो भाई अभी आपको थोड़ी देर के बाद ही दिखा देंगे हम थाईलैंड मलेशिया बॉर्डर कैसा है, क्या रहता है, वियतनाम कंबोडिया वाला हाल रहता है या कंबोडिया थाईलैंड वाला हाल रहता है ना, दोनों में से कौन सा रहेगा या मिड रहेगा, कैसा रहेगा, वो आपको कुछ टाइम के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, हैं अभी इतनी भी मत को आ करो यार। अब देखो 16 से 17 देश में हम एंट्री कर रहे हैं 17वें में, और हाल क्या अपने चैनल का, यूट्यूब का, फेसबुक का खुद देख लो यार, हैं थोड़े बहुत जो परिश्रम करता मेहनत करता उसकी तरफ भी देख लिया करो, और समझ ही गए हो गए आप है ना। बोलना नहीं चाह रहा था ये बात, लेकिन कभी कभी होता है भाई फील। अब आ गए हैं हाईवे पे, और हाईवे पे लगभग 15 किलोमीटर कंटिन्यू हाईवे ही है,
अच्छा यार है ना, और हमने एक प्रिंट आउट निकलवाना था भाई, जो कि कल से ट्राई कर रहा हूँ मैं। कोई शॉप दिखे लेकिन कोई शॉप नहीं दिख रही, और भाई सामने इन चीज़ों को देख के आना पड़ता है ना। ऐसी ऐसी प्रजाति भी होती है ना भाई, जिसके अंदर से हम चल रहे हैं ना वो नेशनल पार्क है। मैं भी ये कह रहा था यार, है तो थोड़ा अजीब सा, तो है क्या, अभी बोर्ड आया तब ध्यान आया, ओहो ये तो नेशनल पार्क है यार। ऐसे हम क्या यूट्यूबर बनेगा रे तुम, है ना, ऐसा ही है ना, कुछ बता ही नहीं पाते। सर्च कर रखा था बकायदा मैंने ये, लेकिन भूल गया यार, पता ही है ना। अभी बॉर्डर का और खड़ा है, क्रॉस करेंगे तो वहाँ जाके भाई करेंसी चेंज करवानी है, न्यू सिम लेनी है, तो वो भी चीज़ें करनी है, वो सोच रहा था थोड़ा माइंड में। और ले भाई आ ही गया आखिर में, देखो बोर्ड दिख रहा ना, थलेबेन नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क था भाई। वैसे हम नेशनल पार्क के अंदर से चल रहे हैं, मेरे अब राइट में पहाड़ अब आए हुए हैं, पहले लेफ्ट में थे, कभी ये लेफ्ट में आ जाते कभी राइट में। अरे भाई गर्मी अच्छे वाली हो रखी है, स्पीड में ज़्यादा हंगा लगा ही नहीं रहा यार। मैं ज़्यादा हंगा लगाऊंगा स्वेटिंग होगी, वेट लूज होगा है ना, तो इस मारे भाई नहीं रहा मैं ज़्यादा दूर। और बॉर्डर 3 किलोमीटर बचा हुआ, अभी जस्ट देखा था मैंने, एक दो मकान भी आने लगे हैं। और तो सामने का नज़ारा देखो, ये सामने का नज़ारा देखो दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारा है, ज़बरदस्त। कोई अगर मलेशिया आ रहा है ना तो DMAC हैं, ये चीज़ बनेगी, एक पास बनता है, उसकी आपको फोटोकॉपी लेके आनी पड़ती है। बोलते तो ये हैं वो 3 दिन में पहले अप्लाई करो, 3 दिन पहले आने से, बट ये है कि साथ के साथ में आ जाता है वैसे वो, तो भाई वो ज़रूरी है, चाहे आप लैंड बॉर्डर से हो, चाहे एयरपोर्ट से हो, चाहे शिप से हो, कहीं से भी आ रहे हो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट है ना। पर वो मैंने करवा लिया था लेकिन फोटोकॉपी नहीं निकलवा रहा मैं, निकलवा क्या यार, मिली नहीं मुझे कोई शॉप, अभी सोचा था कि यहाँ पे मिल जाएगी, देखते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई, हैं ना, मिली तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पता ही आपको, पर ज़रूरी है भाई वो चीज़, देखते हैं भाई कोई ना कोई तो जुगाड़ बिठाएंगे ही भाई। ये है चेक पॉइंट वांग प्रचांग बॉर्डर चेक पॉइंट, जिससे हम कर रहे हैं मलेशिया में एंट्री, और यहाँ पे देखेंगे हम कि भाई कहाँ पे हमें फोटोकॉपी की शॉप मिलती है। बाई चांस ना मिली तो मुश्किल हो जाएगा यार, भाई सारी बंद हो रही है यार, ये देखो आप सब कुछ बंद है भाई, गड़बड़ ना हो जाए कि वापिस भागना पड़े, कुछ ऐसा ना हो जाए भाई, मुश्किल हो जाएगी भाई, ऐसा कुछ हो गया तो सब कुछ क्लोज है यार। भाई साहब मार्केट फुल है, फोटोकॉपी नहीं मिल रही, ये एंड पॉइंट आ गया है, कोई फोटोकॉपी नहीं है। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्या करें,
लियो भाई, ये था मलेशिया बॉर्डर। मलेशिया बॉर्डर कर दिया हमने क्लोज, और बॉर्डर के पास है ना वीडियो नहीं बनाते, इसलिए इतनी वीडियो बना रहे हैं बस, आगे चल के बनाएंगे। लो भाई, मलेशिया में एंट्री कर दी है, और भाई बॉर्डर पे सिर्फ थाईलैंड की तरफ से पूछा क्या तो वापस नहीं आएगा ना मकाना, क्योंकि बहुत इंडियन ये करते हैं ना कि इस साइड उस साइड टाइम बढ़ाने के लिए आ जाते हैं भाई, है ना, जिसका टाइम ओवर हो जाता है ना तो इस साइड आ जाता है वो। तो मैं बोला ना ना ना, तो फिर उसके बाद बोले ओके, फिर इस साइड आया। इस साइड सिर्फ इतना बोला कि आगे कहाँ जाओगे, मैं सिंगापुर। बोला ओके, बोला कितने दिन स्टे चाहिए, तो मिनिमम 30 डेज, क्योंकि देगा ही वो 30 डेज का भाई, कुछ ज़्यादा देगा नहीं, है ना, इसलिए मैंने 30 डेज का ही बोला। बस कुछ नहीं, प्रिंट हुए और अपना चल भाई। एक यहाँ पे आने पे वही है जो कार्ड बता रहा था मैं, उसकी फोटोकॉपी की नीड तो नहीं पड़ी दोस्तों, लेकिन वो ज़रूरी है। कुछ ऐसे थे कि नहीं, जिन्होंने डलवा रखा था, जिन्होंने नहीं पता था उस बारे में, तो भाई वो परेशान हो रहे थे, समझे। तो भाई कोई भी अगर आ रहा है तो इन्फॉर्मेशन देखो लेनी चाहिए, मानते हो ना। गियर लगा रहा हूँ दूसरे हाथ से, मतलब लेफ्ट हैंड से लगाना था, राइट हैंड से लगा रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है टॉपिक और चश्मे को। ये थी दोस्तों दास्ता आज की बॉर्डर क्रॉस करने की, वही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, स्पीड से हो गया, उस साइड से भी इस साइड से भी। तो अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हमारी जर्नी में एक और कंट्री जुड़ गई है, तो प्राउड फील तो होता है ना। तो दोस्तों इसी बात पे आप भी अपना सहयोग दिखाओ मुझे, भाई के साथ चलो इस जर्नी में, मानते हो बॉस। तो इसी बात पे जय हिंद जय भारत। भाई बात अपने तिरंगे देख के तो रुपये बोला है भाई, क्या मज़ा आ गया यार, खुशी को दिल खुश हो गया कहते है ना, जब बोले ना ओ फ्रॉम इंडिया, या भाई यस सर आई एम फ्रॉम इंडिया, वेरी गुड यू की ट्रैवलिंग, मतलब इतनी अंग्रेजी आती हूँ मैं, हाँ 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 हाँ, ये सर भाई इतनी ये बोल ली, ठीक है यार जो भी है ना। तिरंगा तो अपनी शान आन बान है भाई, यहाँ पे देखते हैं मनी एक्सचेंज या सिम। सिम इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रोदर, है ना, लेनी चाहिए ना, लेते हैं सिम, कोई मिले तभी तो। देखो भाई यहाँ भी है ना, हर्थड आई भी है भाई, बॉर्डर की साइड आ लिया हम 4-5 किलोमीटर, और कुछ नहीं मिल लिया हमें, कुछ नहीं का मतलब है ना सिम कार्ड ना मनी एक्सचेंज, भाई क्या किया जाए, समझ गए। तो ये भी प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि बॉर्डर पे कुछ था ही नहीं ना, तो वहीं से ही लेते, वहाँ पे कुछ है नहीं तो क्या कर सकते हैं भाई। देख लो चढ़ दे भाई, बॉर्डर क्रॉस करते पहाड़ पे चढ़ा दिए, टॉप पे आ गया हूँ अब, और पूरी टी शर्ट और पूरे पैरों से अंदर सूज के अंदर भी जा चुके हैं पसीने, और लोअर भी गिली हो गई है, समझ सकते हो क्या हाल है, दिखाता हूँ आपको, है ना। ओहो देखो, हो भाई यहाँ आगे रुक गया था। एलिवेशन इज वेरी गुड, एलिवेशन इज वेरी गुड, बट इट्स गुड दैट इट्स अ लिटिल बिट कोल्ड नाउ, इट्स मोर कूल। ओह इफ यू वुड हैव डन इट एट 1 पीएम देन वी वुड हैव डाइड ब्रो, नाउ इट्स अ लिटिल बिट कूलर, यस यस। तो भाई अब ये अपना हाल है, अंदर के लोअर भी भीग चुकी है, इससे अंदर जाके ना लोअर भी भीग गई है भाई, और टी शर्ट पूरी गिली पीछे से भी आगे से भी,
रियाल हैं। देखो मैं सब नीचे उतर लें भाग के, क्योंकि कैंपिंग का टाइम हो गया भाई, और टाइम भी चेंज हो गया। पहले हम 1.5 घंटे आगे थे इंडिया से, भारत से, अब देखेंगे कितने घंटे आगे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ले भाई चढ़ाई भी ज़बरदस्त थी और उतराई भी ज़बरदस्त है ने? ओ हो हो, स्लोली स्लोली मेरी स्वीट हो, स्लोली स्लोली। ले भाई आगे क्या है, मुर्गी हैं, भाई मलेशिया का फर्स्ट लुक देख लो आप। मलेशिया में ये बताया गया है 3 रीजन रहते हैं, एक इंडिया, एक चाइना और एक मलेशियन। अब तीनों में से ज़्यादा कौन मिलेगा हमें वो देखते हैं। जबकि हमें मिला था, देखा जाए तो वियतनाम में, दनांग में एक मलेशिया का लुक मिला था, है ना। अब देखते हैं कौन मिलता है अपना, कोई इंडिया का फ्लैग देख के बोलेगा मेरा दादा इंडिया से था। अगर कोई ऐसा लोग मिलता है तो स्पेशल हम वीडियो मिलेगा, तो देखेगा कौन मिलता है। ले भाई ट्रक की देख लो कितनी खा कर यार, खाली है। जिनका की जाना हो ना बुकिट वो साइड है, फिर ना कही हो भाई बता भी नहीं, ठीक। और यहाँ की है ना दो नंबर प्लेट, वो ब्लैक है, ब्लैक नंबर प्लेट की बहुत गाड़ी हमने देखी थी कराबी में। यहाँ से हम ले रहे हैं राइट, जाएंगे काकी विलेज में। विलेज में ये है 7-Eleven मिल जाए, बाई चांस से मिल जाए, मनी का मिल जाए, चेंज चूंज का कुछ जुगाड़ है, इसलिए उस पर जा रहे हैं। और वैसे भी वहीं से जाना हमने, अगर बाईपास लेते तो और ज़्यादा दूर पड़ता हमें, है ना। तो विलेज के अंदर से जा रहे हैं, अभी ले रहे हैं सिम, और जो सिम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ये मैडम से ले रहे हैं भाई, और वो भी 53 रिंगिट, मतलब रिंगिट बोलते हैं इसको, रिंगिट, जो कि लगभग 4.80 का $1 मतलब $11-12 के आसपास का पड़ जाएगा सिम, देख लो। लेकिन अनलिमिटेड है, पीछे भी अनलिमिटेड था अपना, थाईलैंड में भी सब जगह अनलिमिटेड रखना पड़ता भाई। तो ठीक है यार, जो भी है अभी लेते हैं फिर। भाई ये कंपनी का सिम लिया है, अभी चेंज कर रहे हैं, देखेंगे क्या कुछ रहता है, है ना। और भाई 53 रिंगिट का पड़ा है ये, अब 4.8 को अब 53 कर लो भाई। देखो भाई की यस फ्रेंड ने ना ये सिलेक्ट की है, और रियली फ्रेंड आई लाइक यू योर चॉइस, थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग, दिस नो कंपेयर यस। तो भाई ये पक्षी चेचे कर रहा है, इसके पीछे बर्ड लाग रही है। तो भाई यहाँ पे करेंगे अब कैंपिंग, है ना। देखो या इज मंकी, when I was there there were 20 monkeys yeah. Yeah, we have to take our stuff in our tent maybe. Some monkeys steal our stuff, yeah। तो भाई चंदा मामा भी है, और सुबह यहाँ से सनराइज देखेंगे आराम से, क्योंकि सनसेट अपना इस साइड हो रहा है। और भाई ये फर्स्ट डे अपना मलेशिया में, तो वेलकम तो कर दो यार भाई का, इतना तो कर दो वेलकम के नाम पे, कुछ जो भी आपकी इच्छा हो, शेयर सब्सक्राइब बढ़ाने की आप बढ़ा सकते हो, वायरल कर सकते हो, कुछ भी है जो आपकी इच्छा भाई। तो दोस्तों कैंप करेंगे अभी, है ना, थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई चढ़ाई फिर ये चढ़ाई मार गया था। लो भाई राइस बना लिए हैं, ये शुगर है, ये डालेंगे और खा जाएंगे। भाई कुछ नहीं दिख रहा, सोच रहा था आपको कुछ दिखाऊंगा रात को, लाइट भी नहीं दिख रही गोप्रो में तो, है ना। और उस साइड भाई ने म्यूजिक चला रखा है, तो भाई ठीक नहीं है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।